वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन एंड वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल. दिस इज मी रश्मि. आज हम लोग एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द बर्ड्स आई. ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो हमारे चैप्टर का नाम है द बर्ड्स आई. बर्ड्स का मतलब क्या होता है? पक्षी या चिड़िया. तो पक्षी की आई यानी आंख. ठीक है, चिड़िया की आंख आप इसे कह सकते हो. ठीक है, लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. हेयर आर सम स्टेटमेंट. यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. इफ यू एग्री, अगर आप उससे सहमत हो. ठीक है, टिक राइट. अगर आप सहमत हो, आप मानते हो कि सही है, तो आप राइट लगाओ इन यस, इस यस के कॉलम में. और इफ यू डिसएग्री, अगर आप सहमत नहीं है या फिर असहमत हैं, अगर आप असहमत हैं तो टिक का निशान लगाओ नो नो के कॉलम में. ठीक है, तो आइए देखते हैं. पहला सेंटेंस, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक बुक्स. मुझे कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है. तो सभी को कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद होता है, अधिकांशतः लोगों को. इसलिए यहां पर हम यस लगाएंगे. ठीक है, यस में टिक करेंगे. इसके बाद आई लाइक टू राइट ए स्टोरी ऑन माई ओन. ठीक है, मुझे खुद से कहानियां लिखना पसंद है. तो जिन बच्चों को पसंद है वो यस लिखेंगे, यस में टिक करेंगे, और जिन बच्चों को अच्छी नहीं लगती है वो नो में लिखेंगे. ठीक है, तो ये आपकी अपनी चॉइसेस हैं. यहाँ पर सारे आंसर्स में अपनी ही चॉइस है. आपको जो चीज ठीक लगती है उसके लिए यस, और जिस जो चीज आपको ठीक नहीं लगती है उसके लिए नो लगाइएगा. ठीक है, तीसरा वाला देखते हैं. आई डोंट लाइक टू टेल अ स्टोरी टू अदर्स. मुझे दूसरों को कहानियां बताना या सुनाना अच्छा नहीं लगता है. डोंट माने नहीं लगना, ना. ठीक है, स्टोरी यानी कहानी, टू अदर्स यानी दूसरों को. तो ऐसा तो नहीं है, कहानियां सुनाना भी पसंद होता है अधिकांशतः लोगों को, तो इसमें नो में टिक होगा. इसी तरीके से फोर नंबर, आई डोंट लाइक टू लिसन टू स्टोरी. मुझे कहानियां सुनना पसंद नहीं है. डोंट बोला गया है ना, पसंद नहीं है, तो ये बात तो गलत है. कहानियां सुनना सबको पसंद होता है, इसलिए नो में टिक करेंगे. ठीक है, आई लाइक ठाकुमा झूली. ठाकुमा की झूली जो कहानी है वो सभी को अच्छी लगती है. दादी माँ की कहानियां सभी को पसंद होती है, है ना. आई लाइक द कॉमिक्स ऑफ नोने फोंटे. जो नोने फोंटे की कॉमिक्स बुक्स जो होती हैं वो भी सभी को अच्छी लगती हैं. आई हैव हर्ड अबाउट रामायण. मैंने रामायण के बारे में सुना है. हर्ड मतलब सुना, अबाउट यानी के बारे में. ठीक है, ये भी हाँ, आप सभी लोगों ने रामायण के बारे में तो थोड़ा बहुत सुना ही होगा. आई हैव हर्ड अबाउट महाभारत. इसी तरीके से महाभारत के बारे में भी थोड़ा बहुत तो सभी लोगों ने सुना होगा, तो इसके लिए भी टिक. ठीक है, आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं. लेट्स रीड. सबसे पहले चलिए, इट वॉज ए ब्राइट. ब्राइट यानी चमकदार. ठीक है, चमकदार. इट वॉज ए ब्राइट एंड सनी. सनी यानी धूपदार. ठीक है, मॉर्निंग. इट वॉज ए ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग. यह एक बहुत ही चमकदार और धूपदार सुबह था. अ लार्ज नंबर ग्रुप ऑफ यंग बॉयज गैदर्ड इन द वुडलैंड विद देयर बो एंड एरोज. ठीक है, लार्ज यानी बड़ा, ग्रुप यानी
समूह, यंग यानी जवान, गैदर का मतलब इकट्ठा होना, वुडलैंड यानी जंगल, बो यानी धनुष, एरो यानी तीर। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि एक जवान लड़कों का एक जो बड़ा समूह था वो जंगल में अपने तीर और धनुष के साथ इकट्ठा हुआ, बट दे वेयर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी बॉयज, लेकिन वे कोई साधारण लड़के नहीं थे। दे का मतलब होता है वे, ऑर्डिनरी यानी साधारण यानी कि आम, कोई आम लड़के नहीं थे। कौन थे वे लड़के? दे वेयर द 5 पांडव्स एंड 100 कौरव्स, वे 5 पांडव और 100 कौरव्स थे। ठीक है, द 5 पांडवा ब्रदर्स, 5 पांडव भाई एंड 100 कौरव्स, कौरवा ब्रदर्स और 100 कौरव भाई वेयर कजिन्स, चचेरे भाई थे। ठीक है, चचेरे, ठीक है, कजिन्स थे। बट एक सेकंड, बट फियर्स राइवलरी बिटवीन देम बिगिन टू ग्रो इवन वेन दे वेयर ओनली चिल्ड्रेन, मगर फियर्स का मतलब होता है भयंकर, भयंकर, और राइबलरी का मतलब होता है राइबलरी, राइबलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, प्रति द्वंदिता, बिटवीन यानी बीच में, बिगन यानी शुरू, और चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो क्या कह रहे हैं कि उनके बीच यानी पांडवों और कौरवों के बीच जब वे छोटे थे तभी से एक भयंकर प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन, आपसी जो झगड़ा था वो ग्रो होने लगा था। ठीक है, विकसित होने लगा था। ओके, आगे देखते हैं। द रॉयल चिल्ड्रेन लर्न द स्किल्स ऑफ यूजिंग वेपन्स फ्रॉम द्रोणाचार्य। द रॉयल, रॉयल मतलब शाही या फिर राजकीय, आप जिसे बोल सकते हो, राजा महाराजा वाला। चिल्ड्रेन लर्न, लर्न माने लर्न, लर्न माने सीखने लगे। ठीक है, स्किल का मतलब होता है कौशल, यूजिंग माने इस्तेमाल, विपन मतलब हथियार। तो जो पांडव और कौरव थे, जो राजा राजकीय बच्चे थे, शाही बच्चे थे, वे बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल करने सीखने लगे। किससे? फ्रॉम द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य से। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट यानी महान, वॉरियर यानी योद्धा ऑफ हिज टाइम। जो द्रोणाचार्य थे वे अपने समय के महान योद्धा थे। ठीक है, ही हैड लर्न द सीक्रेट ऑफ पावरफुल वीपन्स फ्रॉम परशुराम, उन्होंने सीखा था, सीक्रेट, सीक्रेट यानी रहस्य, पावरफुल यानी शक्तिशाली, उन्होंने परशुराम, परशुराम जो उनके गुरु थे, द्रोणाचार्य के जो गुरु थे परशुराम, उनसे द्रोणाचार्य ने बहुत सारे शक्तिशाली हथियारों को इस्तेमाल करना सीखा था, उनके रहस्यों को सीखा था। द पांडवास एंड द कौरवास वे आर क्विक टू लर्न, उन्हें वे सीखने में बहुत ही तेज थे। ठीक है, दे सून पिक्ड अप, पिक्ड अप यानी चुन लिए, चुनना, वेरियस स्किल्स, वेरियस यानी अलग अलग। ठीक है, स्किल्स यानी कौशल। ऑल द प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी राजकुमार, राजकुमार लर्न द
यूज ऑफ ऑल द वेपन्स, तभी राजकुमार जो है वो सभी हथियारों का इस्तेमाल करना सीखने लगे। ठीक है, उन्होंने अपना अपना हथियार चुन लिया। और आप देख सकते हो इस चित्र के भीतर यहाँ पर कोई भाला लेकर खड़ा है, कोई तलवार लेकर खड़ा है, तो सबने अपना अपना हथियार जो उनको पसंद था वो हथियार उन लोगों ने चुन लिया था कि वे किस हथियार से लड़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Each of them had their own favorite weapons. Each यानी सभी, सभी के पास उनके अपने, ठीक है, own, own यानी अपना, favorite यानी पसंदीदा हथियार था। ठीक है, सबके पास अपना पसंदीदा हथियार था। दुर्योधना एंड भीम, दुर्योधन और भीम फेवर्ड द मेस, मेस यानी गदा, दुर्योधन और भीम को गदा पसंद आया। युधिष्ठिर चॉइस ऑफ वेपन वॉज द स्पीयर, स्पीयर यानी भाला, जो कि नीरज चोपड़ा फेंकता है ओलंपिक में, वही वाला भाला। ठीक है, तो युधिष्ठिर को कौन सा हथियार पसंद आया? भाला। अर्जुन, अर्जुना वॉज फैसिनेटेड बाई बो एंड एरोज, फैसिनेटेड यानी मोहित होना। अर्जुन को कौन सा हथियार पसंद आया? तीर धनुष। ठीक है, बो यानी धनुष और एरो यानी तीर, तीर धनुष। द ट्विंस, ट्विंस यानी जुड़वा, जुड़वा। नकुल एंड सहदेव वेयर मोस्ट कंफर्टेबल विथ स्वॉर्ड्स, जो जुड़वा भाई थे नकुल और सहदेव, उन्हें वे किस चीज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे, किस हथियार के साथ? कंफर्टेबल यानी सहज, किस हथियार के साथ सहज थे? स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी तलवार के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सबके बारे में बता दिया गया है कि दुर्योधन और भीम को गदा पसंद था, युधिष्ठिर को भाला, अर्जुन को तीर धनुष, नकुल और सहदेव को तलवार। ठीक है, द गुरु ट्रीटेड, ट्रीटेड यानी व्यवहार करना, ऑल हिज डिसाइपल्स इक्वली, डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य, इक्वली यानी बराबर। जो द्रोणाचार्य थे वे अपने सभी शिष्यों के साथ बराबर का व्यवहार करते थे। बट ही लाइक्ड अर्जुना द मोस्ट, लेकिन वो अर्जुन, अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। बिकॉज, क्योंकि अर्जुना प्रैक्टिस्ड दिस आर्ट विथ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अर्जुन जो था वो प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना, अभ्यास, आर्ट यानी कला, कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता। अर्जुन जो था जिसने तीर और धनुष को चुना था उसको वो प्रैक्टिस करता था पूरे एकाग्रता के साथ, पूरे मन लगा के वो तीर धनुष चलाना का प्रयास करता था। इसीलिए जो द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। सून ही बिकेम द मोस्ट द बेस्ट आर्चर अमोंग ऑल, और जल्दी ही, क्योंकि वो बहुत मन लगा के सीखता था और अभ्यास करता था, इसलिए वो जल्दी ही सबसे अच्छा धनुर्धर, आर्चर यानी धनुर्धर, जो धनुष को चलाता है, बन गया। दुर्योधना एंड ऑल हिज ब्रदर दुशासन डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल, दुर्योधन और उसका भाई जो था दुशासन, ठीक है, दोनों को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अर्जुन जो है वो इतना जल्दी अच्छा धनुर्धर कैसे बन गया। साइलेंटली अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक ग्रू इन देयर हार्ट्स टुवर्ड्स द पांडवास, साइलेंटली यानी धीरे से, हार्ट्स यानी दिल में, टुवर्ड्स यानी ये तरफ, ठीक है, धीरे से
जो दुशासन और दुर्योधन थे उनके दिल में धीरे से जो है वो एक नापसंद का भाव विकसित होने लगा। ठीक है, उसके बाद वन डे दे ओपनली क्रिटिसाइज देयर गुरु फॉर शोइंग फेवर टूवर्ड्स द अर्जुना। एक दिन वो क्या करते हैं, ओपनली यानी खुलेआम अपने गुरु की आलोचना करते हैं कि उनके गुरु जो है वो अर्जुन को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ओपनली यानी खुलेआम, क्रिटिसाइज यानी होता है आलोचना, यानी किसी के बारे में बुरा बोलना। ठीक है, दे टोल्ड हिम, दे टोल्ड हिम दैट दे वेयर नॉट एनी लेस स्किलफुल इन आर्चरी। वे बोलते हैं ठीक है कि वे अर्जुन से किसी भी मामले में कम नहीं है, धनुष चलाने के मामले में थोड़ा भी कम नहीं है, लेस यानी कम होना। ठीक है, एज ए रिप्लाई, इसी के प्रति उत्तर में टू देयर क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचना, वो जो इस तरीके से गुरु जी को बोले, द्रोणाचार्य को बोले कि आप जो है वो अर्जुन को ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसी बात के प्रति उत्तर में द्रोणाचार्य क्या करते हैं, द्रोणाचार्य अरेंज्ड फॉर अ टेस्ट टू पिक आउट द बेस्ट आर्चर अमोंग देम। वो क्या करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं, ठीक है, पिक आउट यानी चुनना, अमोंग यानी बीच में। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक टेस्ट का आयोजन करते हैं, टेस्ट की व्यवस्था करते हैं ताकि वे सबसे बेस्ट आर्चर को चुन सके। ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उस पर्टिकुलर यानी विशेष, उस पर्टिकुलर डे में क्या होता है, विशेष दिन में क्या होता है, गुरु द्रोणाचार्य आक्स द स्टूडेंट, स्टूडेंट को बुलाते हैं, टूगेदर बाई द वुडलैंड नियर हिज आश्रम, नियर यानी पास में, वुडलैंड यानी वन में। ठीक है, तो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं, करते हैं सभी विद्यार्थियों को जंगल में बुलाते हैं अपने आश्रम के नजदीक, फिर क्या करते हैं, ही हैड प्लेस्ड अ वुडन बर्ड विथ ए प्रोमिनेंटली पेंटेड आई ऑन वन ऑफ द ट्री। प्रोमिनेंटली का मतलब होता है प्रमुखता से, वो क्या करते हैं, चिड़िया के आंख को रंग देते हैं प्रमुखता। ठीक है, पेंटेड यानी रंग देना, चिड़िया की आंख को विशेष रूप से रंग देते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसी पार्ट से थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी वन देख लेते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली इसमें अभी और भी है लेकिन वो हम लोग इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इजली कर सकें। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, एक्टिविटी वन स्टार्ट कर दी हूँ। ठीक है, लेट्स टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अरेंज्ड अ टेस्ट टू, द्रोणाचार्य एक टेस्ट अरेंज करते हैं किस लिए, पहला देखते हैं, डिसाइड द बेस्ट आर्चर अमंग ऑल, ये डिसाइड करने के लिए कि सबसे बेस्ट धनुर्धर, बेस्ट तीर चलाने वाला कौन है। सेकेंड ऑप्शन देखो, डिसाइड हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय अमंगस्ट ऑल, इसलिए टेस्ट लेते हैं ये देखने के लिए कि इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान बच्चा कौन है। या फिर सी नंबर ऑप्शन देखो, डिसाइड द मोस्ट डिसऑबिडियंट बॉय अमंगस्ट ऑल, कि इनमें से कौन जो है वो सबसे ज्यादा आज्ञाकारी नहीं है। ठीक है, यह देखने के लिए, तो नहीं वो किस लिए टेस्ट लेते हैं, यह देखने के लिए कि सबसे अच्छा तीर कौन चलाता है ना। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, डिसाइडेड द बेस्ट आर्चर अमंग ऑल। सेकेंड वाला, द कौरव्स वेयर, कौरव्स कितने थे, कौरव थे 100 ब्रदर्स, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे।
थर्ड नंबर, नकुल एंड सहदेव वे आर मोस्ट कंफर्टेबल विथ, नकुल और सहदेव ने कौन सा हथियार चुना था? तीर और धनुष, बो एंड एरो, एरो नहीं, स्वॉर्ड यानी तलवार, स्पीयर यानी भाला। तो नकुल और सहदेव ने स्वॉर्ड चुना था। पांच पांडव कौन कौन से थे बच्चों? पांच पांडव का नाम अगर आपको याद हो, पहला था आपका युधिष्ठिर, ठीक है लिख लो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको पांच पांडव के बारे में जानकारी रहे। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो ये पांचों जो थे वो पांडव थे, ठीक है याद रखना ये बात। आगे देखते हैं फोर नंबर क्वेश्चन। ओके, फोर नंबर क्वेश्चन में एक लाइन है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे बट यहाँ पर आ गया है तो हम लोग कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आई कैन सी ओनली द आई ऑफ द बर्ड सेड, मैं केवल चिड़िया की आंख देख सकता हूँ, ये बात कौन कहता है? द्रोणाचार्य, दुशासन या अर्जुन? तो इसका सही उत्तर है अर्जुन, ठीक है। अर्जुन जो है वो कहता है कि मैं केवल चिड़िया की आंख देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑल द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द वुडलैंड नियर, सभी जो बच्चे रहते हैं वो जंगल में आश्रम के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों इकट्ठा होते हैं? तो मतलब वुडलैंड के पास कहाँ इकट्ठा होते हैं? स्मॉल हट वेयर गुरु द्रोणाचार्य लिव्ड, एक छोटी सी कुटिया जहां पर गुरु द्रोणाचार्य रहते थे, या फिर अ पॉन्ड वेयर ए क्रेन लिव्ड, एक पॉन्ड जहां पर क्रेन रहता था, या फिर अ पैलेस वेयर देयर पेरेंट्स लिव, या फिर वहां पर जहां महल में उनके माता पिता रहते थे। तो नहीं, वो वुडलैंड के पास कहाँ रहते हैं? गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के पास। आश्रम किसको कहते हैं? अ स्मॉल हट, ठीक है, एक छोटी सी झोपड़ी। तो इसका सही उत्तर है फाइव का ए नंबर, ठीक है। सिक्स नंबर, दुर्योधन वाज, दुर्योधन कौन था? दुर्योधन जो था वो द एल्डर ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर ऑफ द कौरव, कौरव का सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन, ठीक है। सेवन नंबर, अल्टीमेटली द टेस्ट रिवील दैट, आखिर में जो टेस्ट लिया जाता है वो टेस्ट क्या बताता है? ये बताता है कि अर्जुन वॉज द बेस्ट आर्चर, अर्जुन जो है वो सबसे बेस्ट धनुर्धर है, ठीक है। एक्टिविटी टू देखते हैं हम लोग। ओके, दुर्योधन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम, दुर्योधन जो है वो सॉरी द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम, द्रोणाचार्य जो है वो अपने समय के सबसे महान कवि थे। ये बात क्या है? गलत, इसमें ट्रू और फॉल्स लगाना है तो ये बात तो गलत है। द्रोणाचार्य अपने समय के सबसे बड़े वॉरियर यानी कि योद्धा थे, ठीक है ना। बी नंबर क्या है? द बर्ड वॉज मेड ऑफ पेपर, जो चिड़िया थी वो पेपर की बनाई गई थी, तो ये बात भी क्या है? फॉल्स है, गलत है, वो तो वुड लकड़ी की बनाई गई थी ना, और उसकी आंख द्रोणाचार्य ने अच्छे से रंग दी थी, कलर कर दी थी। तीन नंबर, द्रोणाचार्य वॉज ए डिसाइपल ऑफ परशुराम, द्रोणाचार्य जो थे वो परशुराम के शिष्य थे, तो ये बात सही है, ट्रू। द्रोणाचार्य के गुरु का नाम क्या था? परशुराम। डी नंबर, द्रोणाचार्य वॉज नॉट प्लीज्ड विथ अर्जुनास कंसंट्रेशन, द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के एकाग्रता से खुश नहीं थे, नॉट लिखा है, ठीक है। तो ये बात तो गलत है क्योंकि अर्जुन जो था उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, इसके लिए उससे हमेशा गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो खुश रहते थे। ई नंबर, युधिष्ठिर वॉज वेरी ओबीडियंट टू हिज गुरु, युधिष्ठिर जो था वो अपने गुरु का बहुत ही ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी था। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो अपने गुरु की बात हमेशा मानता है, तो ये है ट्रू। ऑल द चिल्ड्रन वेयर लर्निंग वेरियस स्किल्स हैप्पली, सभी जो बच्चे थे वो सारे स्किल्स सीख रहे थे खुशी खुशी, तो यस ट्रू, हाँ सभी बच्चे खुशी खुशी सीख रहे थे। उनको गुस्सा इस बात का था कौरव को कि क्यों जो है वो गुरुजी यानी गुरु द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस बात को लेकर गुस्सा था उनके मन में।
यहाँ पे क्या करना है एक्टिविटी थ्री में, फिल द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट वन इज डन फॉर यू। कौन इनमें से कौन कौन सा वेपन चुना वो आपको बताना है। एक तो कर दिया गया है जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने क्या चुना था, स्पीयर, स्पीयर यानी गदा चुना था, ठीक है, सॉरी भाला, स्पीयर यानी भाला, युधिष्ठिर ने क्या चुना था, भाला चुना था, ठीक है। इसी तरीके से मेष किसने चुना था, मेष यानी गदा, गदा किसने चुना था, गदा चुना था दुर्योधन और भीम ने, ठीक है, डी यू आर वाई ओ डी एच ए एन ए, दुर्योधन ने चुना था और भीम ने, ठीक है। स्वॉर्ड किसने चुना था, स्वॉर्ड यानी तलवार, तलवार किसने चुना था, नकुल और सहदेव ने, नकुल एंड सहदेव। अच्छा अर्जुन ने क्या चुना था, अर्जुन ने चुना था बो एंड एरोस, तीर और धनुष, बो एंड एरोस, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी फोर, एक्टिविटी फोर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, देखते हैं, आइए लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हु वॉज द गुरु ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे, द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे, परशुराम। तो लिख देते हैं आंसर, द गुरु ऑफ द्रोणाचार्य वॉज परशुराम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर वॉज द बर्ड प्लेस्ड, वो जो चिड़िया थी इसको कहाँ रखा गया था, चिड़िया को रखा गया था पेड़ की शाखाओं पर, ठीक है। द बर्ड वॉज प्लेस्ड ऑन ए ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखा पे रखा गया था यानी पेड़ की डालियों पर, ठीक है। व्हाट डिड युधिष्ठिर सी, युधिष्ठिर ने क्या देखा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सॉ हिज गुरुदेव, गुरुदेव को देखा, द ट्री, ट्री को देखा, इसके अलावा उसको पीपल अराउंड हिम, अराउंड हिम एंड द बर्ड, वो युधिष्ठिर जो है अपने आसपास अपने गुरु को देखता है, पेड़ को देखता है, लोगों को देखता है और पक्षी को देखता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड द्रोणाचार्य लाइक अर्जुन द मोस्ट, क्यों जो द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य लाइक्ड अर्जुन द मोस्ट बिकॉज अर्जुन, बिकॉज अर्जुन क्या करता था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस्ड द आर्ट ऑफ यूजिंग बो एंड एरोज विथ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हिटिंग अ टारगेट। किसी भी लक्ष्य को भेजते समय, माने कोई भी लक्ष्य तुमको दिया गया है, बोला गया कि इस पे तीर मारो, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हिटिंग ए टारगेट। किसी भी लक्ष्य को भेजते समय सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता, यानी तुम्हारा ध्यान मत भटके। किसी भी लक्ष्य को तुम तीर मार रहे हो तो उस समय तुम्हारा ध्यान जो है भटकना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान भटका या टूटा तो तुम कभी भी अपना लक्ष्य नहीं भेज पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटी 5। ओके, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो दिया गया है उसका ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, और उसमें से आपको उसका फर्स्ट लेटर दे दिया गया है। जैसे डार्क, डार्क का क्या होगा? डार्क यानी अंधकार। ठीक है, तो इसका होगा आपका ब्राइट, BRIGHT। ब्राइट का मतलब होता है उजाला। सैड, सैड का सैड यानी दुखी, और ग्लैड यानी खुशी, खुश होना। नेवर ऑलवेज, नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा। वॉरेस्ट, वॉरेस्ट का होता है सबसे खराब और बेस्ट। एवरीथिंग, एक मिनट, NOT नथिंग, NOTHING। ठीक है, और इनविजिबल, इनविजिबल यानी अदृश्य, दिखाई ना देना, और विजिबल यानी दिखाई देना। ठीक है, विजिबल। VISIBLE, ठीक है, विजिबल। एक्टिविटी 6 देखते हैं। ओके, एक्टिविटी 6 में क्या किया गया? सेम मीनिंग है, आपको मैच करना है। तो जब भी मैच करना होता है हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे ताकि हमको इजी हो नंबरिंग करने में। ठीक है, ओके। डिसिपल का, डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य। ठीक है, रॉयल का मतलब होता है शाही, जो राजा महाराजा से जुड़ा हो। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है आपका, इमेंस का अर्थ होता है आपका बृहद, बृहद यानी बड़ा, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, साइलेंस्ड का मतलब होता है चुपचाप। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। प्रोमिनेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट। ठीक है, और ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना। अब आपको इसी का सेम मीनिंग खोजना है। तो डिसिपल, डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य। तो शिष्य क्या आप क्या कर सकते हो? स्टूडेंट। रॉयल, रॉयल का आप कर सकते हो मैजेस्टिक, इसका मतलब भी होता है शाही या राजकीय। इसी तरीके से इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बड़ा, तो ह्यूज। साइलेंस्ड, कीप क्वाइट। टारगेट, गोल। Prominently, prominently का मतलब होता है distinctly, ठीक है, स्पष्टता। और एक आखिर में बचा जी नंबर, observed, noticed, ठीक है। 7 नंबर एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। 7 नंबर एक्टिविटी में क्या करना है? जो सही शब्द बैठेगा उसके हिसाब से इसको फिलअप कर लेना। जैसे पहला वाला देखो, वी वेयर डैश टू हियर द सैड न्यूज। तो आप अगर दुखी खबर सुनोगे तो आप क्या हो सकते हो? दुखी होते हो या फिर आश्चर्यचकित हो जाते हो। तो इसके लिए सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। वी आर सरप्राइज टू हियर द सैड न्यूज। 2 नंबर, द प्लेयर्स आर रेडी, तैयार थे फॉर गेम, गेम के लिए। 3 नंबर, ऑलवेज ट्राई टू कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम, हमेशा क्या करना चाहिए? जो भयंकर जानवर है उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए, तो फियर्स। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
क्या होगा यहां पर, प्लीज प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया करके मुझे एक गिलास पानी दो। रेणुका डैश आखिर वाला बचा, तो आखिर क्या है, आखिर में इनवाइटेड, ठीक है, इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स ऑन हर 10th birthday। तो रेणुका जो है अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण देती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक एक्टिविटी 7 तक। तो यहाँ पर हमारा जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हो रहा है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर इसमें जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, जो बचा हुआ लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जो हमारा इस चैप्टर से संबंधित जो भी एक्टिविटीज है उसको भी हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पार्ट समझ में आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू एवरीवन।